नमस्कार दोस्तों, उद्धव ठाकरे के हाथ से जिस तरीके से शिवसेना निकली है, किसी को अनुमान नहीं था कि इस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया, विधायकों और सांसदों की जो स्ट्रेंथ है, उन्हें जो वोट मिले हैं, उसके आधार पर एकनाथ शिंदे का जो कैंप है उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उनकी स्ट्रेंथ को उन्होंने आंकड़ों में तोला और उनका एक आधार तय किया, फार्मूला निकाला और कह दिया कि एकनाथ शिंदे की हो गई है शिवसेना। अब उद्धव ठाकरे बड़े परेशान हैं। उद्धव ठाकरे इस समय ये कहते हुए घूम रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी तो कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में थे, किस तरीके से तय कर दिया चुनाव आयोग ने और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। आप कितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब चुनाव आयोग ने पहले ही ये कह दिया कि जितने भी इसके आधार हैं, इस पर पार्टी किसकी है, ये फैसला चुनाव आयोग तय करेगा, तो फिर कोई इसमें मुद्दा ही नहीं रह जाता। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चली हैं। सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे का बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका अभिशाप इनको लगा है और उन्होंने जब उनके घर पर बुलडोजर चलवाया था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे कोरोना काल में, आपको याद होगा कि कंगना रनौत मनाली में थी अपने घर और उनका जो मुंबई में ऑफिस था उस पर बुलडोजर एक हिस्से पर चलवा दिया गया था, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलती थी, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ बोलती थी। तो उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा, और उनका घमंड टूट गया, उनके हाथ से उनकी पारिवारिक पार्टी ही चली। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। अब उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि साहब, हमारी जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनका नाम शिवसेना का साथ जुड़ा हुआ है और बीजेपी ये चाहती है कि हम बाला साहब ठाकरे का मुखौटा ले लें। यानी कि उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे के बिना बीजेपी कुछ नहीं कर सकती महाराष्ट्र में। लेकिन अभी तक जो हो रहा है उससे तो ये भी साबित हो गया है कि उद्धव ठाकरे का अपना वजूद भी बाला साहब ठाकरे के बिना कुछ नहीं है। अब वो बनाए अपनी नई पार्टी, बनाए नए नाम से उसको इस्टेब्लिश करके दिखाएं, अगर इतनी हिम्मत है तो। अब तक तो पिताजी की बनाई हुई पार्टी से मलाई खा रहे थे, लेकिन इस बारे में एक वीडियो बड़ा दिलचस्प आया है और उद्धव ठाकरे की स्थिति पर सही मायनों में कमेंट किया है महाराष्ट्र के अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने। नवनीत राणा का वो वीडियो देखिए। जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष से बाण उसका नहीं, वही रिजल्ट आज लगा है। और उद्धव ठाकरे जी को भोलेनाथ ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया है, जय भोले। देखिए, नवनीत राणा ने इस वीडियो में साफ तौर पर कह दिया है कि उद्धव ठाकरे का कमंड टूट गया है और जो राम का नहीं हुआ, हनुमान का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हुआ। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे एकदम फ्लैट हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, इसके अलावा फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा, किस सिंबल पर लड़ें, क्या पार्टी का नाम रखें, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, जिसमें वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, इसमें भी उनकी कुछ चलने वाली है नहीं। क्यों? अब इनको किस हिसाब से उनमें रखा जाएगा? अब तक तो उनके साथ बाला साहब ठाकरे का नाम जुड़ा हुआ था कि असली शिवसेना इनकी है, तो ये एक भ्रम बना हुआ था, लेकिन ये भ्रम भी अब चुनाव आयोग ने दूर कर दिया। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। उद्धव ठाकरे अब किसी भी तरीके से एक पॉलिटिशियन नजर नहीं आ रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनकी जो निजी संपत्ति है, उनके पारिवारिक संपत्ति है, वो किसी दूसरे ने हड़प ली हो और वो सड़क पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि चूंकि मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जिसे कहते हैं पक्ष प्रमुख हूँ, तो इसलिए पार्टी मेरे पास ही रहेगी। लेकिन जब आपने अपनी पार्टी का कोई संविधान बनाया ही नहीं और जो संविधान बनाया जाता है उसका पालन ही नहीं किया, तो फिर आप अपनी पार्टी को ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये पार्टी आपकी है? लेकिन मुझे तो अब लगता है कि कंगना रनौत का जो श्राप इन्हें लगा था, उस श्राप ने काम किया है साहब। और उद्धव ठाकरे
जैसे चिराग पासवान के हाथ से भी पार्टी निकली थी, उनके जो चाचा भतीजे थे सारे वो सब अलग हो गए थे, लेकिन उसमें फायदा क्या हुआ था कि लोक जनशक्ति पार्टी उनके पास बनी रही थी, भले ही उनके 6 में से 5 सांसद 4 सांसद उनके अलग चले गए थे, लेकिन इनकी तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई है उद्धव ठाकरे की, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। चिराग पासवान तो फिर अपनी स्थिति को कंसोलिडेट कर रहे हैं, वापस अपनी पार्टी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास ना तो शिवसेना रही, ना ही उन्हें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अब कोई वजूद मिलने वाला है, और ना ही उनकी एनडीए में आने की कोई संभावनाएं बची है। बहुत बड़ा सेटबैक है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी पारिवारिक पार्टी का इतना बुरा हाल नहीं हुआ। ये तो ऐसे ही हो गया कि अखिलेश यादव के हाथ से पार्टी चली जाए उनके भाई धर्मेंद्र यादव के हाथ में या फिर शिवपाल यादव के हाथ में। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।